Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is Abu bin Adam for class 7th. Abu bin Adam is a poem written by Lee Hunt. It is a poem with a religious concept. The poet has conveyed the ideas of happiness, peace, and love through easy and flowing rhymed couplets. Now I will read this poem. Whom does God love the most? First I will read this, after that I will try to explain this in our mother tongue in Kashmiri or in Urdu. Abu bin Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and lily like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold, exceeding peace had made bin Adam bold. And the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the Lord. And is mine one? Said Abu, nay, not so. Replied the angel, Abu spoke more low, but she listened and said, I pray thee then, write me as one that loves his fellow men. The angel wrote and vanished the next night. It came again with a great awakening light and showed the names whom love of God had blessed. And lo, Bin Adam's name led all the rest. So, ye poem maine pehle padhi. Ab main isko Urdu mein समझाने की कोशिश करूंगा. अबु बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. अबु बिन आदम एक लड़का है. ये शायर ली हंट जो है ये दुआ करता है कि इसका कबीला बढ़ जाए. इसका कबीला बढ़ जाए मीन्स मे हिज ट्राइब इंक्रीज मीन्स मे मोर एंड मोर पीपल बिकम लाइक हिम. ज्यादा से ज्यादा लोग उसी के जैसे बन जाए, अबु बिन आदम के जैसे ही बन जाए. Awoke one night from a deep dream of peace. Ek raat gehri neend se ye jaag gaya. Awoke one night from a deep dream of peace. Gehri neend se ek raat ye jaag gaya. And saw in the moonlight in his room. Aur chand ki roshni mein usne apne kamre mein dekha. Making it rich and like a lily in bloom. Ye jo chandni raat thi, ye jo chand ki roshni thi, ये इसके कमरे को खूबसूरत नीलोफर के फूल की तरह बना रही थी. जो नीलोफर का फूल खिला हुआ हो जैसे वो खूबसूरत होता है, वैसे ही ये चांदनी रात अबू बिन आदम के कमरे को भी खूबसूरत बना रही थी. एन एंजल राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड. उसने ये देखा कि एक फरिश्ता सोने की किताब में लिख रहा था. एन एंजल राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड. एक फरिश्ता सोने की किताब पर लिख रहा था. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन आदम बोल्ड. ये जो सुकून ही सुकून फैला था उसके कमरे में, उसने इस बिन अबू बिन आदम को निडर बना दिया, बेखौफ बना दिया. एंड द प्रेजेंस इन द रूम ही सैड. वो जो उसके कमरे में फरिश्ता आया हुआ था, ये जो उसके कमरे में जो मौजूदगी थी उसको उसने बता दिया, या उसने उससे ये पूछा, व्हाट राइटेस्ट टू, व्हाट आर राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो. द विजन रेज इट्स हैड. और वो जो तस्वर था और वो जो कमरे में फरिश्ता था उसने अपने सर को ऊपर उठाया. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड. और पूरी शफकत से भरी हुई चेहरे के साथ उसने जवाब दिया. उस फरिश्ते ने पूरी शफकत से भरे हुए चेहरे के साथ अबू बिन आदम को जवाब दिया. आंसर द नेम्स ऑफ दोज हू लव द लॉर्ड. उसने ये जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं. द नेम्स ऑफ दोज
उन लोगों के नाम हु लव द लॉर्ड, जो अपने अल्लाह से, जो अपने बनाने वाले से, जो अपने खालिक के साथ मोहब्बत करते हैं. एंड इज माई वन सेड अबू, नहीं नॉट सो. अबू बिन आदम ने इसे फिर पूछा, क्या मेरा नाम भी इसमें है? नहीं नॉट सो, नहीं इसमें नहीं है. एंजल ने जवाब दिया, रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो. अबू ने इसको बहुत ही हलीमी से, बहुत ही धीमी आवाज से इसको इससे पूछ, इस फरिश्ते से पूछा था. बट चिल स्टिल, लेकिन फिर भी खुशी के साथ. बट चिल स्टिल, चिल का मतलब है हैप्पीली, खुशी से. बट चिल स्टिल एंड सैड, लेकिन फिर भी खुशी के साथ उसने कहा, आई प्रे दी देन, तो मेरी इल्तिजा है आपसे, तो मैं आपसे यह कहता हूं. खुशी से उसने उस फरिश्ते को कहा, तो फिर मैं आपसे यह इल्तिजा करता हूं, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, फिर लिख दीजिए मुझे उनमें जो करते हैं इंसानों से प्यार. अबू बिन आदमी से कहता है, अगर मेरा नाम उनमें नहीं है जो अल्लाह के साथ प्यार करते हैं, तो मेरा नाम उन लोगों में लिख दीजिए जो इंसानों के साथ प्यार करते हैं. द एंजल रोट, एंजल ने लिखा, एंड वैनिशड, और गायब हो गया. द नेक्स्ट नाइट, फिर नेक्स्ट नाइट, फिर दूसरी रात, फिर मुड़ के आ गया. इट केम अगेन, दोबारा आया, इन ए ग्रेट वेकनिंग लाइट, तेज जगा देने वाली रोशनी लिए. एंड शोर द नेम, एंड शोर द नेम्स Whom love of God has blessed. और दिखाए वो नाम जिन्हें मिला था खुदा का प्यार. दूसरी रात जब वो फिर किताब लेकर आ गया, तो उसने वो नाम दिखाए जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत करते थे. एंड लो, और वाह, बिन आदम's name led all the rest. बिन आदम का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि इंसानों के साथ प्यार करना बहुत बड़ी बात है. अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करना, अल्लाह के बंदों के दुख दर्द में काम आना बहुत बड़ी बात है. हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के बंदू के दुख दर्द में हर वक्त हर बार काम आए. खुश समाज के जो हालात हैं, इन हालात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के बंदू के काम आए, ताकि हमसे भी अल्लाह पाक राज़ी हो जाए और हमें भी अपने प्यार करने वालों में हमें भी लिखे. तो इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं वाइट बोर्ड पर, तो आप ध्यान दीजिए. अवोक, जाग उठा. लिली, नीलोफर का फूल. ब्लूम, खिला हुआ. एंजल, फरिश्ता. एक्सीडिंग, बहुत ज्यादा. प्रेजेंस, फरिश्ता. धू, तू. रेजड, ऊपर उठाया. एकॉर्ड, पुरसकून लुत्फ. चिरिली, खुशी से. सिटल, पुरसकून या खामोश या चुपचाप. दी, तुम्हारी, आपकी. वैनिशड, गायब हो गया. वेकनिंग, जगा देने वाली. Blessed, जिन पर रहमत की गई. अब मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से लिखे हुए हैं जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें से निकाले हैं. आप इनको खुद ही इनके जवाब लिख लीजिएगा. तो आइंदा इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, और भी इसमें कुछ बाकी रहा वो भी इंशाल्लाह लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट वाज द एंजल डूइंग. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड बिन आदम आस्क द प्रेजेंस. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच वर्ड इन दिस पोएम मीन्स हैप्पीली. क्वेश्चन नंबर फोर, When did the angel come again? तो ये था आज का हमारा सबक. इतना ही आज. थैंक यू.